में जिला सोलन पुलिस ने उनके नशा की दवाइयों के खिलाफ जो विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें दिन प्रतिदिन काफी प्रगति हो रही है, जिसमें हमने काफी मात्रा में और काफी तादाद में चिटा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उसी संदर्भ में 6 तारीख को सोलन पुलिस ने 2 व्यक्तियों को जो चंडीगढ़ से चिट्टे की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें जो है सोलन में 10 ग्राम सहित चिट्टे से गिरफ्तार किया गया है। और जो शाम के टाइम यहाँ पे क्या बोलते सोलन में गाड़ी में चिट्टा ला रहे थे, और जिनके नाम कैलाश कुमार जो कुपी के निवासी है और चंदन कुमार जो अर्की का निवासी है, दोनों ये जो LR के छात्र थे पास्ट में और BTech कर रहे थे, और इन्होंने अपनी BTech पूरी नहीं की है और अब प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे हैं चंडीगढ़ में। और इसी संदर्भ में इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बतलाया कि इन्होंने मोहाली से कोई जैस नाम के व्यक्ति से जो ये चिट्टा 10 ग्राम के करीब जो चिट्टा पकड़ा था उससे ले आए। और जब पूछताछ के दौरान इनके व्हाट्सएप पे जो कॉल वगैरह को खंगाला गया है, और उस संदर्भ में जो है इनसे पूछताछ काफ़ी गहन पूछताछ की गई और पुलिस रिमांड पे 4 दिन के पुलिस रिमांड में इन्हें ले लिया गया था। और इस संदर्भ में जो जैस का जो जैस से जो बात व्हाट्सएप पे और कॉल उसकी निकाली, और उस संदर्भ में उनके कॉल डिटेल के माध्यम से जब उसका नाम पता किया गया, उसका नाम जगसीर सिंह आरओ बठिंडा पाया गया, और जो बठिंडा निवासी है, और जिस संदर्भ में उसकी कॉल लोकेशन का पता किया गया, और सोलन पुलिस ने पिछले दिन इसकी तलाश की गई और इसकी लोकेशन पता की तो ये मोहाली के पास पाया गया। और इसके जो फोन वगैरह की लोकेशन जो मोहाली में पाई गई तो इस संदर्भ में उसे लोकेट वहाँ पे किया गया, और उसकी पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार पिछले दिन किया गया, जिसे रात को लाके आज उसे जो है पुलिस जो है अदालत में पेश कर रही है। और इस संदर्भ में एक अन्य और मुकदमा थाना धर्मपुर में 4 तारीख को किया गया, जिसमें किन्नौर के 2 लड़के जिन्हें जो है धर्मपुर के पास सनवारा के पास जो है गाड़ी में जब चेकिंग कर रहे थे SIU टीम, तो वहाँ उनके पास से 8 ग्राम के करीब जो है चिट्टा बरामद किया गया, जिनके नाम सौरभ भंडारी जो कल्पा का निवासी है किन्नौर का, सुदर्शन सिंह जो भी कल्पा का निवासी है, और दोनों जिनकी उम्र 25 और 27 साल की है, और दोनों जो है अपने किन्नौर में कार्य करते हैं। और इस संदर्भ में भी जो बैकवर्ड लिंक वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं, इनकी व्हाट्सएप कॉल वगैरह भी देखी जा रही है, अभी ये पुलिस जुडिशल रिमांड भेज दिए गए हैं। इस संदर्भ में जैसा आप लोगों को पता है कि जिला सोलन ने पिछले 5 महीनों में कम से कम 217 लोगों को 104 केसों में जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 73 आरोपी जो विभिन्न प्रदेशों के हैं, जो बाहर के प्रदेशों के हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और असम और महाराष्ट्र के 59 लोग सप्लायर थे, जिन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। और इनमें से 5 अफ्रीकी मूल के निवासी जो नाइजीरियन थे, जिन्हें जो है इसी उसमें जो है गिरफ्तार किया गया है, जो भारी मात्रा में जो नशा की तस्करी जो है हिमाचल में व सोलन इत्यादि शहरों में करते थे, इनके जो नेटवर्क को पूरी तरह से पुलिस सोलन ने ध्वस्त किया है। जैसा आप पिछले 2-3 बारी पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी आप लोगों को बता दिया गया है, और हर तरह से जो है हमने जो है चिट्टा तस्कर और दवाई तस्करों के खिलाफ जो है बड़ी एक अच्छी मुहिम छेड़ी है, जिसमें सोलन पुलिस काफ़ी हद तक बहुत हद तक कामयाब रहा है, जिसमें लोगों का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। अभी तक पिछले इस वर्ष जो है 104 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और 217 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और आगे भी जो है ये कार्रवाई जो है NDPS के तहत चलती रहेगी। हमारी टीम काफ़ी मुश्तैदी से कार्य कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरस्टेट बॉर्डर होने की वजह से जो ये सप्लाई है किन्नौर इंटीरियर इलाके में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और गेटवे ऑफ हिमाचल जो हमारा परमाणु से लता सोलन तक काफ़ी मात्रा में लोग आना जाना आवाजाही यहीं से सप्लाई होती है। हमारी नज़र चिट्टा तस्करों के ऊपर और जो बैकवर्ड लिंक जो हम ढूंढ रहे हैं, और खासतौर पर हमारा मकसद यह है कि बैकवर्ड लिंक ढूंढ के उन चिट्टा तस्करों को पकड़ा जाए जो सप्लायर जो है हिमाचल में कर रहे हैं।
इस संदर्भ में सारे पुलिस के हमारे जो अधिकारी व कर्मचारी काफी मेहनत दिन रात कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारा यही निवेदन है लोगों से भी और आप लोगों से प्रेस मीडिया से, आप इस संदर्भ में पूर्ण से पूर्ण सहयोग जो है पुलिस को दे, जिससे चिट्टा तस्कर और नशा खोरी के खिलाफ हम जो है एक अच्छी सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद। ये ये सप्लायर भी है और अपने लिए भी यूज करते हैं। तो अभी तक टोटल मामले कितने हुए सर? 104 मुकदमे जो है जिला 16 में जो है इसके जो है एनडीपीएस के तहत हो गए चिट्टा और दवाइयों के संदर्भ में। कितने लोग पकड़े गए? जिसमें 217 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और 73 व्यक्ति जो है दूसरे प्रदेशों के हैं, जिसमें से जो है 5 अफ्रीकी मूल के निवासी है, जो अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन निवासी जिन्हें गिरफ्तार किया, जो अभी तक जो है जुडिशियल लॉकअप में है। इसके एग्जैक्ट वो आज सर, कौन से इंस्टीट्यूट के बच्चे थे जो पहले पढ़ते थे, कहाँ के थे? जो ये LRA इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, पर इन्होंने जो है अपनी जो है इंजीनियरिंग डिग्री जो है पूरी नहीं की है और वहाँ से छोड़ चुके हैं।